सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ऑल डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर iOS का कीबोर्ड कैसे एक्सेस करेंगे। गाइस जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड है उसे iOS कीबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एप्पल कीबोर्ड भी। एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं iOS कीबोर्ड को कैसे सेट करते हैं। वेल गाइस फोन के अंदर iOS कीबोर्ड को सेट आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी हमें एक थर्ड पार्टी एप्स की, जिसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा या फिर आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर एप्पल ग्रीन एप्पल कीबोर्ड है, इसको मैं ओपन पे क्लिक करूंगा एंड इसके अंदर मैं 3 परमिशंस को ऑन करना होगा। लाइक पहला है इनेबल इन सेटिंग्स, इसको प्रेस करना है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो होंगे। इसमें जो ग्रीन एप्पल कीबोर्ड है उसको ऑन करना है, देन ओके करना है, अगेन ओके कर देना है। जैसे आप इस परमिशन को ऑन करते हैं इसके बाद बैक करना है एंड स्विच इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, इसको प्रेस करना है। एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी है उसका भी एक ऑप्शन नीचे ग्रीन एप्पल कीबोर्ड करके मिलेगा, इसको प्रेस कर देना है एंड फिनिश्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कीबोर्ड हमारा सेट हो चुका है और इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स भी हमारे मिल जाती है देखने को, जिसमें अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो इसके अंदर आपको रेड वगैरह बैकग्राउंड जो देखने को मिल रहा है इस तरह की कर सकते हो उसको। और बाकी जो नीचे मैनुअल सेटिंग्स मिलती है आप इनको फॉलोअप कर सकते हो, जिसमें वाइब्रेशन होती है, की को प्रेस करने से साउंड आती है, वो चीजें कर सकते हो। हालांकि मैं कीबोर्ड दिखाना चाहूंगा। ये है कीबोर्ड जो हमने अभी अभी इस ऐप का यूज करके करा हुआ एंड यू रियली बताऊं तो फील आपको बिल्कुल ही आईफोन जैसा मिलेगा। एक बार ट्राई कर सकते हो। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।